सबसे पहले हमने क्या देखा, हमें पढ़ना क्या है इधर, आज हम इधर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसमें कुछ नहीं है, कुछ ही देर में सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप इसमें क्या है, ईथर में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, इथरल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं बोली यहाँ पर बोलिए आप इथरल ऑक्सीजन, ठीक है। और आप देखेंगे आप रिप्रेजेंटेशन किस इसका किसा है, तो रिप्रेजेंटेशन आर ओ आर डेस करके लिख सकते हैं। और क्या है कि एराइल ग्रुप दोनों साइड लगा सकते हैं, ठीक है, या तो एक साइड अल्काइल ग्रुप और एक साइड एराइल ग्रुप, जहाँ पर आर और आर डेस क्या है सेम या तो डिफरेंट, सेम भी हो सकता है, मिथाइल इथाइल भी हो सकता है, या तो मिथाइल मिथाइल भी हो सकता है, दोनों आर की जगह, ठीक है। और क्या है यहाँ पर ये अल्काइल ग्रुप है सेम और डिफरेंट अल्काइल ग्रुप, और ए आर और ए आर डैश जो है, ठीक है, ये अराइल ग्रुप है सेम या तो डिफरेंट, ठीक है। अब हम देखेंगे फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सी एन एस टू एन प्लस टू ओ, ठीक है। आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। जहाँ पर नंबर एन कहाँ से स्टार्ट होगा, एन स्टार्ट होगा टू से। सर बोलिए आप सर वन से क्यों नहीं स्टार्ट होगा, फिर देखिए आप यहाँ पर क्या है आर की यहाँ रिप्रेजेंटेशन में देखिए क्या लिखा हुआ आर ओ आर, तो इथरल ऑक्सीजन का क्या होता है डायवेलेंट होता है, ठीक है। डायवेलेंट होने के कारण क्या होता है कि हमको दोनों साइड में अल्काइल ग्रुप लगाना पड़ेगा, मतलब कार्बन का संख्या मिनिमम टू लेना पड़ेगा, तो वही मिनिमम टू यहाँ लिखा हुआ, आगे जितना भी जा सकता है, ठीक है। नेचर अब हम देखने जा रहे हैं नेचर, ठीक है। नेचर क्या होता है इसका, या तो एलिफेटिक हो या तो एरोमेटिक होगा। एलिफेटिक कब होगा, जब दोनों साइड एलिफेटिक लगा हुआ होगा, ठीक है। एलिफेटिक होगा दोनों साइड, तब एलिफेटिक चेन लगा हुआ होगा, एलिफेटिक लगा हुआ होगा तो जाके क्या होगा ये एलिफेटिक ईथर होगा। लेकिन अगर एरोमेटिक बनाना है, एरोमेटिक तो दोनों में या तो दोनों साइड एराइल लगाएंगे या तो दोनों साइड एराइल लगाएंगे या तो एक साइड अल्काइल और एक साइड एराइल लगाएंगे, मतलब मिनिमम अगर एक साइड एराइल है तो वो एरोमेटिक में चला जाएगा, अगर दोनों साइड अल्काइल ग्रुप लगा हुआ तो वो एलिफेटिक में चला जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे डेफिनेशन, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ईथर आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ईथर ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें इन विच टू अल्काइल और एराइल ग्रुप, जिसमें कि दो अल्काइल या तो दो एराइल या तो एक अल्काइल एक एराइल ग्रुप अटैच्ड होता है डायवेलेंट ऑक्सीजन। तो यहाँ से यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि डायवेलेंट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का वैलेंसी दो होता है, तो वहाँ पर एक एक साइड एक कार्बन को पकड़े होता है अल्काइल या तो एराइल को पकड़ेगा, या तो इधर साइड भी अल्काइल या एराइल को पकड़ेगा, ठीक है। तो उसी से जो कंपाउंड बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं ईथर बोलते हैं, ठीक है। तो ईथर आर द एनहाइड्राइड ऑफ अल्कोहल, ठीक है। एनहाइड्राइड मतलब होता है अगर उधर वहाँ से हम पानी निकाल लें, ठीक है, टेम्परेचर डाल के वाटर निकाल लें, ठीक है, तो उसी को बोला जाता है एनहाइड्राइड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अल्कोहल का दो मॉलिक्यूल लिया हुआ, ठीक है, अल्कोहल का दो मॉलिक्यूल, तो एक से एच हट रहा है और एक से ओ एच जा रहा है, ठीक है, एक से हाइड्रोक्सी ग्रुप एक से हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये वेयर इज माई पेन, ये हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे, चलिए ये देखिए यहाँ जो आपको दिखा, ठीक है, ये आपका क्या है, यहाँ पर देखिए एक साइड से हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ से देखिए ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन को दे दे रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज़्यादा इसलिए इलेक्ट्रॉन इसे ले ले रहा है, और यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर अल्काइल से OH ले ले रहा है, और क्या कर रहा है उसके बाद ये क्या होगा एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा है, इसके पास एक एक्सेस, ये वाला जो यहाँ पे है इसके पास एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन है और इसके पास लेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये जाके इससे कॉम्बाइन हो जाएगा, कॉम्बाइन होने के बाद क्या बन गया, यह ईथर ग्रुप बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर और कुछ तो था नहीं, ठीक है, तो ये हो गया आपका डन। चलिए तो अब हम आगे देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर में सबसे पहले हम देखेंगे कि सिमेट्रिकल, ठीक है, सिमेट्रिकल ईथर क्या है, सिमेट्रिकल और सिंपल ईथर, ठीक है। सिमेट्रिकल ईथर को ही सिंपल ईथर कहेंगे अगर बोथ साइड अल्काइल हो, या तो दोनों साइड अल्काइल हो या दोनों साइड एराइल हो, ठीक है, उसी को हम बोलेंगे सिमेट्रिकल, ठीक है। तो दोनों साइड अल्काइल हो और सेम आर और आर ग्रुप सेम होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक साइड मिथाइल डाल दिए एक साइड इथाइल डाल दिए, ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा वो अनसिमेट्रिकल में, मतलब समझे कि दो तीन तरह से चार तरह से पांच तरह से
फाइव पांच तरीके से बांट सकते हैं, ठीक है इसको। तो सबसे पहले हम क्या चीज पढ़ने जा रहे हैं, सिमेट्रिकल, कुछ नहीं है ठीक है, कुछ नहीं है ठीक है, मैं भी नोट करते जा रहा हूँ ठीक है। सिमेट्रिकल है ठीक है, तो सिमेट्रिकल इसमें क्या है कि बोथ अल्काइल एंड अराइल ग्रुप आर सेम, सेम होगा ठीक है, या तो दोनों अल्काइल ग्रुप या तो दोनों अराइल ग्रुप सेम होगा। अगर सेम होगा तो वो कौन सा ग्रुप, वो कौन सा ईथर बन जाएगा, अराइल ठीक है। या तो दोनों साइड अराइल सेम होगा या तो दोनों साइड अल्काइल सेम होगा, तो वो बन जाएगा सिमेट्रिकल ईथर ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल है जो कि आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, वो क्या है, मिथाइल एक साइड मिथाइल लगा दो, फिर क्या बोलते हैं इथरल ऑक्सीजन, फिर मिथाइल ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, अब इसका नेमिंग अगर करेंगे तो क्या, दोनों साइड मिथाइल है तो डाई मिथाइल ईथर, कुछ नहीं इसमें ठीक है, डाई मिथाइल ईथर। तो अब तो आगे वाला आपका एग्जांपल तो आप खुद से, ये क्या फिनाइल है ना, फिनाइल है क्योंकि बेंजीन में फ्री फ्लेंसी, तो ये फिनाइल हो गया ठीक है, फिनाइल हो गया। अब बोलिए फिनाइल में दो फिनाइल है तो क्या हो गया, डाई फिनाइल, डाई फिनाइल ठीक है। और ये क्या है, ईथर, फंक्शनल ग्रुप ईथर ठीक है। तो इसको मैं कॉपी में ड्रॉ कर लेता हूँ, तब तक आप भी नोट करते जाइए, तो उससे क्या होगा ना आपको याद हो जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आपका बस प्रैक्टिस पे टिका हुआ है ठीक है, जितना आप प्रैक्टिस करते हो कोई भी चीज़, कोई भी चीज़ ऑर्गेनिक पे कुछ भी हो, जितना प्रैक्टिस करते हो उतना आपको याद रहेगा। तो अब हम देखेंगे अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल ईथर ठीक है। तो अनसिमेट्रिकल ईथर में क्या है ठीक है, अनसिमेट्रिकल, चलिए तो हम क्या देख रहे थे, अनसिमेट्रिकल ईथर और मिक्स्ड ईथर। अनसिमेट्रिकल ईथर मतलब क्या होता है कि दोनों साइड ना सेम नंबर ऑफ कार्बन नहीं होगा, इथरल ऑक्सीजन के आइदर साइड, इधर लेफ्ट और राइट साइड में क्या होगा आपका, सेम नंबर ऑफ कार्बन नहीं होगा ठीक है। इसका मतलब कि अगर एक साइड मिथाइल हो तो इथाइल प्रोपाइल कुछ भी हो सकता है इधर से ठीक है। तो उसी तरह से आपका जो एग्जांपल दिया, सबसे पहले ऊपर में देखिए लिखा हुआ आर इज नॉट इक्वल टू आर डैश, इसका मतलब क्या है कि दोनों अल्काइल ग्रुप बराबर नहीं है, नंबर ऑफ कार्बन बराबर नहीं है। अराइल ग्रुप में भी ऐसा ही है ठीक है, अराइल ग्रुप में दोनों साइड अराइल जो है वो बराबर नहीं है ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं हम डायरेक्ट सीधा एग्जाम्पल ठीक है। तो वन और सबसे पहला क्या है आपका, सबसे पहला क्या है, इथाइल मिथाइल ईथर ठीक है। सबसे पहले इथाइल हम क्यों लिखे, यहाँ पर सी एस थ्री ओ सी टू एच फाइव है यहाँ लिखा हुआ ठीक है। तो हम यहाँ पे जो आपका ये है ठीक है, तो यहाँ पर इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इथाइल और मिथाइल में अल्फाबेटिकल देखा जाए तो ई पहले आता है ठीक है, ई पहले आता है, तो इसीलिए इथाइल मिथाइल ईथर, ये तो आपको सबको पता ही होगा, आप यहाँ तक पहुँच गए हैं। चलिए देखिए अब है यहाँ एक साइड मिथाइल लगा हुआ सी सिक्स एच फाइव ठीक है। सबसे पहली बात बेंजीन का क्या होता है, सी सिक्स एच सिक्स, तो यहाँ पर अगर एक फ्री वैलेंसी है तो ये क्या हो जाएगा आपका, फिनाइल हो जाएगा ठीक है, फिन से फिनाइल हो जाएगा ठीक है। तो ये आपका हो गया फिनाइल, तो मिथाइल फिनाइल इधर, यहाँ पर भी अल्फाबेटिकल देखा जाएगा ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे एलिफैटिक, तो हम लोग अभी देख चुके हैं क्या कि सिमेट्रिकल ईथर और अनसिमेट्रिकल ईथर ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ने आएंगे कि एलिफैटिक ईथर और एरोमेटिक ईथर ठीक है। तो एलिफैटिक में क्या पढ़ना है हमें कि बोथ द ग्रुप्स अटैच टू द इथरल ऑक्सीजन इज अल्काइल ग्रुप ठीक है। एलिफैटिक है तो दोनों साइड तो आपको अल्काइल ग्रुप ही होगा ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया आपका, दोनों साइड अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, चाहे कुछ भी हो सकता है, मिथाइल भी हो सकता है। सिमेट्रिकल में ऐसा होता था कि मिथाइल दोनों साइड मिथाइल, मिथाइल एक साइड तो उधर साइड में मिथाइल होगा, इधर अराइल है तो उधर अराइल, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ हमें एलिफैटिक पढ़ना है, तो सिर्फ कैसा भी चेन हो लेकिन बस एलिफैटिक होना चाहिए ठीक है, स्ट्रेट चेन होना चाहिए एलिफैटिक। चलिए तो एग्जाम्पल ऐसा कुछ दिया हुआ, डाई मिथाइल ईथर और इथाइल मिथाइल ईथर ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एरोमेटिक ईथर, एरोमेटिक ईथर का दो टाइप्स होता है, डाई एराइल ईथर और फिनोलिक ईथर। तो हम एक एक करके देखेंगे कि डाई एराइल और फिनोलिक ईथर में क्या डिफरेंस। तो डाई एराइल ईथर में क्या है कि बोथ द ग्रुप अटैच टू द डायवेलेंट ऑक्सीजन आर, डायवेलेंट ऑक्सीजन आर अराइल ग्रुप ठीक है। दोनों साइड जो लगा हुआ है ग्रुप, हाँ, तो दोनों साइड जो
ऑक्सीजन के दोनों साइड जो ऑक्सीजन जो डायवेलेंट है, ठीक है, तो दो दो अब दो साइड कॉम्बाइन करेगा तो ऑक्सीजन का डायवेलेंट में कौन कौन ऐड होगा, अरायल ग्रुप होगा। बट यहाँ पर एक शर्त है कि वो सेम टाइप का होना चाहिए, ठीक है। तो डाई अरायल में मतलब ये पता चल रहा है कि अरायल होगा सेम टाइप का होगा, तभी ना हम डाई लगाएंगे। जैसे मिथाइल जब दो मिथाइल रहता था डाई मिथाइल लिखते थे, तो उसी तरह दो अरायल रहेगा सेम सेम टाइप का रहेगा तो वो उसको लिखेंगे डाई अरायल, ठीक है, वो डाई अरायल ईथर होगा, ठीक है। अब हमें पढ़ना है फिनोलिक ईथर। तो फिनोलिक ईथर में क्या है कि एटलीस्ट वन ग्रुप अटैच टू डायवेलेंट ऑक्सीजन इज अराइल। दोनों में से ना सिर्फ एक ही अगर अराइल ग्रुप है और एक एलिफैटिक है तो वो चलेगा, ठीक है। एक अल्काइल रहेगा तो वो चलेगा, ठीक है। तो वो आपका क्या हो जाएगा, फेनोलिक ईथर में आ जाएगा। एटलीस्ट वन, सिर्फ एक ग्रुप रहना चाहिए उसमें अराइल ग्रुप, ठीक है। और क्या है कि बोथ द अराइल ग्रुप आर डिफरेंट, और दोनों अराइल ग्रुप जो है, अगर दोनों अराइल ग्रुप ही है तो वो डिफरेंट अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। तो वो आपका हो जाएगा फेनोलिक ईथर में, ठीक है। तो अब देखिए एग्जांपल, यहाँ पे इसका एग्जांपल लिखा हुआ है, जैसे ऊपर में लिखा हुआ बोथ द ग्रुप अटैच टू डायवेलेंट ऑक्सीजन आर अराइल ग्रुप। तो देखिए यहाँ पर जो डाय अराइल ईथर का एग्जाम्पल दिखा हुआ, देखिए दोनों साइड क्या है, अराइल ग्रुप लगा हुआ, फिनोल लगा हुआ, यहाँ साइड, यहाँ भी देखिए दोनों साइड बेंजाइल लगा हुआ, ठीक है, बेंजाइल, ठीक है। अब देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायबेंजाइल ईथर, यहाँ हो जाएगा डायफिनाइल ईथर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एटलीस्ट वन ग्रुप अटैच टू डायवेलेंट ऑक्सीजन इज अराइल। देखिए यहाँ पर दोनों में से एक मिथाइल लगा हुआ, एक साइड फिनाइल लगा हुआ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, मिथाइल फिनाइल ईथर हो गया ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका, तो एक साइड मिथाइल लगा हुआ है, एक साइड फिनाइल लगा हुआ है, ठीक है। तो देखिए अब आगे हमें क्या पढ़ना है कि आगे हमें एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं पहले, उसके बाद आगे साइक्लिक ईथर पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक साइड क्या लगा हुआ है, फिनाइल, और एक साइड बेंजाइल लगा हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि एक यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो जैसा जैसे डेफिनेशन में बोला गया था कि बोथ अराइल ग्रुप आर डिफरेंट, तो यहाँ पर बोथ अराइल ग्रुप जो है डिफरेंट है। चलिए तो ये कंप्लीट हो गया, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इंपॉर्टेंट था मतलब कि बहुत ईजी था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे साइक्लिक ईथर। साइक्लिक ईथर सच टाइप ऑफ ईथर इन विच इथरल ऑक्सीजन इज पार्ट ऑफ रिंग। जैसे कि रिंग होता है, रिंग किसको, साइकिल को ही बोलते हैं, रिंग साइक्लिक रहता है तो, ठीक है, साइक्लिक कार्बन साइक्लिक चेन रहेगा तो उसको रिंग बोलेंगे, ठीक है। तो अगर इथरल ऑक्सीजन उसका पार्ट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक ईथर। जैसे थ्री मेंबर साइक्लिक ईथर तो उसमें थे तो एक आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन ईथर, दो कार्बन, ठीक है, दो कार्बन रहेगा मिनिमम साइक्लिक ईथर में। और क्या है उसमें जो ऑक्सीजन रहेगा, ठीक है, तो उसका अगर कॉमन नेम बोला जाए तो ऑक्सीरेन, ठीक है, या तो इथाइलिन ऑक्साइड, ठीक है, इसको याद करना होगा, इथाइलिन ऑक्साइड, ठीक है। अब सब आपको अब ट्रिक बना के याद कर सकते हैं, जैसे कि फोर मेंबर्ड साइक्लिक ईथर है, ठीक है। तो जैसे देखिए एक ऑक्सीजन लगा हुआ और कितना, तीन है ना, तीन कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है ना, ऑक्सीजन लगा हुआ है, ठीक है, फोर्थ मेंबर साइक्लिक ईथर में। तो ऑक्सीजन का तो ऑक्सी हो गया, थ्री का, तीन का 10 हो गया, ठीक है, तो क्या हो गया, ऑक्सीटेन हो गया। इस तरह से फाइव मेंबर का बोलेंगे तो फाइव मेंबर में एक तो आपका क्या है, ईथर का ऑक्सीजन, और लेकिन कितना, फोर है ना, तो इसी तरह फ्यूरान हो गया, इस तरह करके आप याद कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, सिक्स मेंबर्ड साइक्लिक ईथर में क्या है, पायरान आप कैसे याद कर सकते हैं, पाँच से कितना, देखिए सिक्स मेंबर्ड है तो एक ऑक्सीजन हो गया तो छः कितना हो कार्बन, तो पायरान इसे याद कर सकते हैं। इसमें कुछ नोट दिया हुआ है जो कि क्या है कि साइक्लिक ईथर आर हेट्रो साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, ये क्या आपका हेट्रो साइक्लिक कंपाउंड है साइक्लिक ईथर, तो ये आपको याद रखना। तो थैंक यू गाइस। तो अब जो आपका इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा नॉमेनक्लेचर, जो नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, वो नॉमेनक्लेचर हम देखेंगे एक एक करके, तो वो हमारा जो है ईथर का नॉमेनक्लेचर सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, बहुत ईजी है वो नॉमेनक्लेचर, क्लियर हो जाएगा हमारा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक, ये बेसिस किस पे है कि अगर आप कुछ नहीं पढ़े, कुछ भी नहीं पढ़े एक साल, तो आप अभी इसको, इस वीडियो को 14-15 मिनट का वीडियो भी नहीं है, आप हल्का फास्ट करके भी देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये 7-8-10 मिनट के अंदर आप इसे कंप्लीट कर लेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट। तो थैंक यू गाइस, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि जितना भी मैं वीडियो डालते जाऊँ आपके पास पहुँच जाए। थैंक यू।